गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ आप लोग मेरी तरह अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है आज के टाइम में। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी वीडियो के लिए भी कि उस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आज मैं वो प्रोडक्ट फाइनली लेके आया हूँ और उसकी वीडियो आपको सारी डिटेल दूंगा। और ज़्यादा बातें ना करते पहले हम प्रोडक्ट देख लेते हैं, उसकी सारी डिटेल मैं आपको देता हूँ, फिर हम बात करते हैं। सो गाइज, यही वो प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये ऑटोफाई के फॉग लैंप्स हैं और ये बॉक्स के अंदर दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये दो क्लैंप्स मिलेंगे, जैसे रॉयल एनफील्ड वगैरह में लेग गार्ड्स वगैरह आते हैं, जो जिन भी बाइक्स में लेग गार्ड्स आते हैं मोटे वाले, तो उनके लिए ये है। लग जाते हैं लगभग, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है इनको, मैंने लगाए भी हुए हैं ये, मैंने यूज़ किए हैं, मैं तब इनकी वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको पता है बिना यूज़ किए किसी चीज़ की वीडियो नहीं बनाता। तो ये हमने फिक्स कर लिया इसको। इसके साथ आपको एक स्विच मिलता है, बेसिक स्विच है, अच्छा है, इसकी क्वालिटी बेटर लगी मेरे को। जो वैसे यूनिवर्सल स्विच आते हैं ना, मेरे पास वो भी पड़े हैं, वह यूज़ करके देखे हैं मैंने, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ना फाइन है, मतलब उनसे ज़्यादा ही कुछ अच्छा ही है। चलो इसको अभी रखते हैं साइड में। अब आती है अपनी मेन जो फॉग लाइट है, वो ये है। ये काफ़ी हैवी है, मतलब जो बाकी लाइट्स मैंने यूज़ करी है ना आज तक, उनसे काफ़ी हैवी है। और पैकेजिंग अच्छी है इनकी अगर देखा जाए, ये आपको इसमें मिलेगा। और इसको साइड में रखते हैं, ये इसकी अटैचमेंट्स हैं, जैसे नट बोल्ट्स हो गए और स्टे है जो, जैसे वो चीज़। ये आपकी मेन लाइट। सबसे बढ़िया बात ये है कि मैंने जितनी भी आज तक फॉग लाइट्स देखी हैं, जो चाइनीज़ आती हैं एक लाइट वाली या लाइक प्रोजेक्टर टाइप, उनके अंदर सिर्फ तार ये बड़ी होती है पर बहुत पतली होती है। इसकी आप लेंथ अगर देख सकते हो, तो अभी मैं कैमरे में भी दिखा नहीं पा रहा पूरी, तो इसकी लेंथ अच्छी खासी है, मतलब 1 फुट से ज़्यादा आपको तार की लेंथ मिलती है और तार बहुत हैवी है। सो ये होगी आपकी लाइट, इसमें 6 LEDs मिलती हैं आपको। भाई देखने में मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार ये इतनी ब्राइट नहीं होंगी, बट बहुत ही अच्छे बजट में और बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है इनकी रात में। इनके ऊपर फॉग लाइट के ऊपर अगर आप येलो पेपर चढ़ा लोगे तो विजिबिलिटी और भी बढ़ जाती है वाइट के मुकाबले, क्योंकि वाइट होता है कि आपके नेचर और जगह के हिसाब से ढल जाता है, तो ऐसा लगता नहीं है, बट अगर आप इसके ऊपर येलो पेपर लगा दोगे तो और भी अच्छा होगा। पहले बॉक्स को कर लेते हैं खाली, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या है। और इसमें एक कार्ड है, कार्ड के अंदर जो लिखा है अपने ज़्यादा काम का है नहीं, चलो। सो गाइस, यही वो सारा सामान है जो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है। इसमें आपको एक स्विच हो गया, दो ये अटैचमेंट्स हैं, क्लैंप्स बोलते हैं इसको, एक ये लाइट है और ये इसकी अटैचमेंट्स हैं, जैसे स्टे वगैरह होगी। और दिखाता हूँ आपको, ये स्टे है, दो नट मिलते हैं आपको इसके अंदर, नट बोल्ट्स जो भी है। और ये खाली हो गया, इसको साइड में रखते हैं। और सेम इस ये भी ऐसी है, देखो यही वो 6 LED lights ऑटोफाई की है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको 1 साल की वारंटी के साथ मिलती है, और इसकी भी सेम यही अटैचमेंट्स है। और इसको साइड में रखते, सो अब बात करते हैं मेन लाइट की। तो इसके साथ आपको मिलती है 1 फुट लंबी वायर और 6 LEDs लैंप है, 6 LEDs में लगी हुई हैं और काफ़ी ब्राइट है, मैंने खुद यूज़ करके देखी है तभी इसका रिव्यू बना रहा हूँ। बाकी अगर बात करें दोनों की क्वालिटी की, तो भाई बहुत हैवी है ये, मेरे को लगता है कि ये कम से कम 2 या 3 साल तो आपके आराम से निकाल जाएगी। अगर उससे पहले कोई प्रॉब्लम आती भी है तो कंपनी 1 ईयर की वारंटी प्रोवाइड करा रही है आपको, तो कोई ऐसी बातचीत है नहीं, कोई घबराने वाली। सो गाइस, इसकी जो हीट सिंक है वो भी बहुत हैवी है, ये सारा एल्युमिनियम में है और ये जो साइड है ये प्लास्टिक में है, ये मेटल में नहीं है। सो फ्रंट ग्लास भी इनका प्लास्टिक वाला है। मेरी सजेशन तो ये रहेगी, जैसे विंटर सीजन आ रहा है तो विंटर में इनके ऊपर जो है आप येलो कलर वाला जो पेपर आता है अपना, वो चढ़ा लें तो बेस्ट लाइट मिलेगी आपको इससे, क्योंकि वाइट कलर की लाइट जो है फॉग के साथ मर्ज हो जाती है, तो आपको विजिबिलिटी प्रॉपर मिलती नहीं है, चाहे कोई भी फॉग लैंप लगा लेना आप। तो बस ये है कि सामने वाले को एक आइडिया रहता है कोई चीज़ आ रही है, बट आपको एक लाइट का फ़ायदा जो है वो पूरा मिल नहीं पाएगा, तो बेटर यही है कि येलो पेपर लगा लो तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी अब ये स्विच है, स्विच मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, तो ये भी आपकी टेंशन ख़त्म होगी कि स्विच परचेज़ करना पड़ेगा। साथ में हमें मिलते हैं ये दो क्लैंप्स, ये मैंने गलत फंसा दिए थे, ओके, ये आपको दो क्लैंप्स मिलते हैं आपके जो बाइक के ऊपर जगह बनती है जहाँ भी लेग गार्ड वगैरह पे, तो उसके लगाने के लिए लैंप्स को ऐसे,
तो गाइज अब बात कर लेते हैं इनकी रोशनी के बारे में। तो ये स्पॉट बीम भी है और तो हल्का सा फ्लड भी है, मतलब मिक्सचर आपको लाइट मिलेगी ना। तो ये प्रॉपर स्पॉट बीम है ना ही ये प्रॉपर फ्लड बीम है। तो बट इनका जो फोकस है बहुत ही अच्छा है बाकी लाइट से। मैंने फ्लड बीम भी यूज़ किया हुआ है, फॉग लैम्प्स जिनकी फ्लड बीम लाइट आती है वो भी यूज़ किया है, स्पॉट बीम भी किया हुआ है। पहली तो बात ये है कि आप ऐसा ही फॉग लैम्प यूज़ करो जिसकी फ्लड बीम टाइप और स्पॉट बीम टाइप दोनों टाइप की लाइट हो, आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। वैसे ये मेरे को बहुत परफेक्ट लगा इस चीज़ में। और अगर बात करें हम स्पॉट बीम की, जो प्रॉपर स्पॉट बीम होता है उसका भी, अगर अपने अपने टेस्ट के ऊपर है, वैसे तो मुझे स्पॉट बीम और फ्लड बीम दोनों ही का मिक्सचर ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको लाइट ना अच्छी रोड की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर बात करते हैं स्पॉट बीम की, तो स्पॉट बीम का जहाँ पे आपको स्पॉट दिखेगा वहीं का आपको पता लगेगा, अदरवाइज़ आसपास का जो सरफेस है वो प्रॉपर विजिबल नहीं होगा। और फ्लड बीम में क्या रहता है कि आपकी एक जगह पर्टिकुलर तय हो जाती है, जैसे आपकी फॉग लैम्प की जो रोशनी है वो यहाँ तक फ्लड बीम में दिखाएगा फ्रंट, और पीछे वाला जो है इसका थोड़ा सा विजिबिलिटी आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो बाइक तेज़ होगी तो आपको दिक्कत तो आएगी फिर उसमें फ्लड बीम में भी। तो ऐसा कुछ आपको चाहिए रहा होगा। गाइज इस जो फॉग लैम्प की कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ आपको पड़ेगी। 1000 में बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है, क्योंकि ये 4 इंच की जो आपको चौड़ाई 4 इंच मिलेगी, लंबाई जो मिलेगी वो आपको 3 इंच के अराउंड मिलेगी। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा साइज़ है और लाइट भी बहुत अच्छी है। इसके कुछ सैंपल लाइट के मैं आगे डाल दूँगा आपको रात के टाइम शूट करके। और रही बात अगर बात करूँ इसकी वायरिंग की, तो वायरिंग भी बहुत सिंपल है, जस्ट आपको एक नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, कोई ज़्यादा झंझट है नहीं इसमें। आप कैसे भी करके कनेक्ट कर सकते हो इनको, और खुद से भी लगा सकते हो अगर आप मैकेनिक से लगाना चाहते हो, वो बात अलग है। और 1000 रुपीज़ के अंदर आपको आपके घर पे मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑफर्स भी चल रहे थे ऑटोफाई के, तो वहाँ पे भी अवेलेबल है। मेरे पास तो स्टॉक पड़ा है इनका, मैं ऐसा नहीं कि स्टॉक निकालने या इनकी प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ, बट जो चीज़ अच्छी है मैं वही दिखा रहा हूँ। फॉग लैम्प्स मेरे पे अलग अलग क्वालिटी के पड़े हैं, इसमें प्रोजेक्टर वाले भी पड़े हैं जो यूनिवर्सल आते हैं, वो नहीं मैंने दिखाए क्योंकि वो वर्थ नहीं है। आप पैसा भी लगा दोगे पर चीज़ आपको अच्छी नहीं मिलेगी, बट ये जो चीज़ है ये पैसा वसूल चीज़ है बिल्कुल। इसको रॉयल एनफील्ड, KTM किसी भी बाइक में आप आराम से लगा सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, कोई स्पेसिफिक बाइक के लिए ये नहीं बने हुए। तो आप किसी भी बाइक में इसको यूज़ कर सकते हो, इवन कार्स वगैरह जिसमें भी ऑफ रोड व्हीकल्स हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो गाइस अब बात करते हैं कि आपको ये वाले फॉग लैम्प्स क्यों लगाने चाहिए और दूसरे वाले क्यों नहीं लगाने चाहिए। पहली बात तो भाई ये सिर्फ 1000 रुपये में आपको 2 फॉग लैम्प्स मिल रहे हैं, पेयर मिल रहा है आपको, और ऑटोफाई मेड इन इंडिया है, ये 1 ईयर वारंटी मिल रही है, ये तो इसकी होगी एडवांटेज। अब बात करते हैं दूसरे फॉग लैम्प्स की डिसएडवांटेज की, वो क्यों नहीं लगाने चाहिए। उनकी जो लाइट होती है, मीन्स जो उनकी LEDs यूज़ की जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा मतलब ब्राइट भी नहीं होती, उनको बस एक कहते हैं ना कॉस्मेटिक लुक दिया जाता है जो देखने में अच्छी लगती हैं, बट कुछ टाइम बाद आपको उनकी लाइट जो है डल लगने लग जाती है, फ्रंट वाले लेंसेज ख़राब हो जाते हैं, या जैसे प्रोजेक्टर वाला आता था एक बहुत वायरल हुआ था उसके आगे रिंग आ जाती है, तो वो सिर्फ कॉस्मेटिक है, उसमें प्रॉपर आपको लाइट नहीं मिलती। इनकी लाइट जो है वो बहुत ही ब्राइट है और अच्छी भी लगती है। वो आपको जो प्रोजेक्टर वाले हैं मेरे ख्याल जो एंजल रिंग के साथ आते हैं, एंजल लैंप के साथ आते हैं, वो आपको अराउंड 1500-1600 के आसपास पड़ते थे। अब मुझे एग्जैक्ट रेट उनका पता नहीं है कितने में पड़ रहे हैं, बट उनसे बहुत अच्छे हैं ये, क्योंकि इनका हिसाब किताब अगर मैं देखूं लाइट से लेके क्वालिटी, बाकी जो मैंने आपको कंपनी की तरफ से जो आपको फैसिलिटीज दी जाती है वो अलग है, रिप्लेसमेंट साथ के साथ होती है इनकी। तो अब हम इनको करेंगे फिट करने के बाद आपको इनकी रोशनी दिखाएंगे कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है इनकी। सो गाइज अभी रात हो चुकी है, मैं वेट कर रहा था कब जल्दी से रात होए और वीडियो के शॉट्स लूँ बाकी वाले। अभी आप देख सकते हो स्ट्रीट लाइट जल रही है और मेरा भाई है छोटा वो बाइक को लाइनअप कर रहा है, बिकॉज आपको ये जो पूरी गली है इसमें मैं आपको ये स्ट्रीट लाइट बंद करके तो दिखाने वाला हूँ भी इस फॉग लैम्प की कितनी रोशनी है। लाइट देखो कितनी प्यारी लग रही है इसकी, ये सिर्फ DRL जल रही है दोनों, ये साइड वाले और इसके अंदर वाले। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी जिसमें मैंने अपनी बाइक के सारे मॉडिफिकेशन की बात की, आई बटन में लिंक आ रहा है आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे फॉग लैम्प्स की रोशनी। अभी हमने टेम्परेली वायरिंग कर ली है यहाँ से, जो ये मेरी पुराने वाली लाइट थी वो अगेन जिन्होंने पुरानी वीडियो में देखा हुआ यहाँ पे एक लाइट थी वो उतार दी थी एक्चुअली, उसकी एक पत्ती टूट गई थी जिस वजह से वो मतलब यहाँ से निकल गई थी, तो मैंने उसी की वायरिंग के साथ इनका कनेक्शन कर लिया फॉग लैम्प्स का। अब जस्ट भाई अर्थ लगाएगा और हमें पता लग जाएगा इसकी क्या लाइट है। देखिए सामने दिखाओ, सामने देखो, रुको मैं स्ट्रीट लाइट बंद करता हूँ। ने स्ट्रीट लाइट करी बंद, आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है, ठीक है। उसके बाद अब ये सामने जलाना, देखिए ब्राइट देख सकते हो आप कितना है।
और यहाँ पे अगर आप अंधेरा आपने देख लिया था और अब देखो भाई दे आपके सामने है क्या लाइट है इन फॉग लैंप्स की। और अभी इनका जो बीम है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, अभी अगर नीचे करके दिखाएंगे थोड़ा नीचे करो तो आपको यहाँ पे बीम दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके धीरे धीरे ऊपर करो, देखो स्ट्रेट जा रहा है बिल्कुल, लाइक एक हेडलाइट का काम कर देंगे। फॉग लैंप्स मैं खुद अपनी बाइक में यूज़ करने वाला हूँ, पहले किसी की बाइक में लगाए थे तभी मैंने इसका वीडियो बनाने का जो डिसीजन था वो लिया था। और अभी हम अगर स्ट्रीट लाइट जलाते हैं तो फिर भी आप देखो फिर भी इसकी जो लाइट है वो अपनी जगह पे अलग दिखती है। अगेन वही बात रिपीट करूँगा, अगर इसके ऊपर आप जो येलो कलर का पेपर आता है वो लगा दोगे तो इसकी जो लाइट है वो फॉग में भी बहुत ज़्यादा काम करेगी, तो आप देख सकते हो। सो गाइस कैसी लगी आप लोगों को ये फॉग लाइट्स, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताना, कोई डाउट रहता तो भी कमेंट्स में बताना, बाकी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और जिनको भाई नीड है जो राइड करते हैं अपने ग्रुप में तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको प्रॉपरली पता लग जाए कि कौन सी लाइट लगानी चाहिए कौन सी नहीं लगानी चाहिए। और मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, ऐसी एक वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा जो कि एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के साथ आएगी, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।